Hey guys, welcome to my channel. My name is Anindita and welcome to yet another food challenge. So guys, आज मैं करने वाली हूँ black food challenge and yeah, मुझे food challenge करने में काफी मजा आता है but the problem की मुझे खाने की जो items है काफी short हो जाती है. मुझे चुन चुन के खाना पड़ता है and जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पर स्विगी जोमैटो कुछ नहीं है, तो मुझे सर्च करके ढूंढने का वो फैसिलिटी भी नहीं मिला. सो मुझे प्रैक्टिकली मार्केट में जाके ढूंढना पड़ा कि ब्लैक मुझे क्या मिल जाए. सो या गाइस, फादर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज प्लीज लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके उसको ऑल करना एंड डू फॉलो मी माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, प्लीज एक बार चेक कर लेना. सो गाइज, फादर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ एंड ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये बनाया था ब्लैक कॉफी, बट ये ब्राउन कलर का लग रहा है एंड इसकी स्मेल काफी अजीब है क्योंकि मैंने इसके अंदर चाय पत्ती भी डाल दिया ताकि ये ज्यादा ब्लैक हो जाए, बट नाउ ये ब्राउन हो चुका है सो मैं इसको नहीं खा सकती. सो इसके लिए मेरे पास है ओरियो एंड ओरियो का जो क्रीम वो भी व्हाइट कलर का है, तो मैं उसको इस नाइफ की मदद से हटा दूंगी एंड सिर्फ ब्लैक का बिस्किट मैं खाने वाली हूँ. सो लेट्स जस्ट कट. या एंड ब्लैक फूड चैलेंज में आज मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत ही कम खाने की चीजें होती है जो ब्लैक कलर की होती है, बट इट इज ओके. इट ओरियो तो हम बस इसको हटा देंगे. सो ये थोड़ा थोड़ा बचा है अब. या आई थिंक इट्स फाइन राइट नाउ. एंड ये जो व्हाइट कलर का क्रीम बच जाएगा मैं इसको रख दूंगी, मैं व्हाइट चैलेंज व्हाइट फूड चैलेंज के टाइम पे मैं इसको खा सकती हूँ. सो कलर फूड चैलेंज में क्या होता है गाइस के खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं मिलता, मतलब कुछ फिलिंग ब्रेकफास्ट या लंच नहीं मिलता है. सो अदरवाइज मुझे कलरफुल चैलेंज करने में बड़ा मजा आता है. सो या हमारा यहाँ पर ओरियो बिस्किट्स रेडी है तो मैं अब इसको खाने वाली हूँ. सो या बस ये रहा हमारा ओनली ओरियो एंड या उसके पीछे थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट है बट आई थिंक इट्स ओके. यही मेरा ब्रेकफास्ट है, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए ब्लैक कलर में कुछ नहीं मिला एंड आई थिंक लंच के लिए मैं मैगी खाऊ, बट मैगी तो व्हाइट होती है तो इसको आई थिंक ब्लैक बनाने के लिए मुझे उसको सोया सॉस में बॉईल करना पड़ेगा तब जाकर शायद ब्लैक बन जाए. एंड अगर नहीं हुआ वो ब्लैक तो और कुछ सोचना पड़ेगा मुझे. सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं आपको उससे लंच का टाइम पे मिलूंगी एंड हम साथ में वो सोया मैगी बनाएंगे. तो या मैं सीधा लंच के टाइम पे आप लोगों को कैच करती हूँ, तब तक के लिए वेट. हे गाइस, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सोया मैगी एंड मुझे लग रहा है कि ब्लैक नहीं बनेगा, मतलब कितना सोया सॉस का कलर ब्राउन होता है. सो आई डोंट नो, चलिए बनाते हैं एंड अगर नहीं बना तो कुछ कर लेंगे हम, तो चलिए बनाते हैं.
guys, I have this मैगी एंड इसमें सिर्फ सोया सॉस है एंड मैगी मसाला है एंड मुझे सोया सॉस बिल्कुल नहीं पसंद एंड इसमें से जबरदस्त सोया सॉस की स्मेल आ रही है. गाइज विश मी लक एंड या मैं इसको खाने वाली हूँ. इतना बुरा नहीं है बट कुछ अजीब सा खट्टा खट्टा लग रहा है. लेकिन ये ब्लैक कलर का है इसका मुझे बहुत खुशी है. सो या अपने ये लंच खत्म किया एंड इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर एंड या सो मेरे लिप्स एंड टंग कुछ अजीब से हो चुके हैं अभी. सो अब मैं इसको बैलेंस करने के लिए कुछ और खाने वाली हूँ. सो वेट. हे गाइस आई एम बैक. हे गाइस सो आई हैव थम्स अप एंड थम्स अप का कलर पूरा ब्लैक होता है. कोक का कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है. सो आई एम गोना हैव सम थम्स अप. सो या चीयर्स. या बेटर. इसको खाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई हैव दैट सोया मैगी थोड़ा सा जो मैं बाकी घर वालों का भी खिलाने वाली हूँ. सो वेट द सोया मैगी यू हैव टू रेट दिस. उसके बाद सीधा हम स्नैक्स के टाइम पे मिलेंगे एंड देन डिनर एंड देन ये चैलेंज आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा. सो गाइस या स्टे ट्यून्ड. हे गाइस सो दिस इज द स्नैक्स टाइम एंड आई हैव दिस ब्लैक केक एंड मैं इसको काफी ढूंढ के लाई हूँ एंड या इसके साइड्स में कुछ ब्राउन कलर का है. सो आई थॉट कि मैं इसको ऊपर से ऐसे करके निकालूंगी एंड सिर्फ ऊपर का खाऊंगी तो चीटिंग नहीं होगा. सो या लेट्स सी कि नाइफ कहाँ पर रखा है. ग्लास तो मैं चम्मच से ही इसका जो ब्लैक पोर्शन है उसको निकाल के खाने वाली हूँ. लाइक दिस एंड या काफी टेस्टी है. सो गाइज दिस इज द ब्लैक पोर्शन. सो गाइज इस केक में सिर्फ उतना ही ब्लैक पोर्शन था जितना मैंने खाया एंड नाउ
मैं इसको रख दूंगी एंड मैं इसके साथ इसको खाने वाली हूँ। एंड रात के लिए भी आई थिंक कुछ मैंने छोड़ ही जाएगा ब्लैक फूड में। ब्लैक कलर के इतने कम फूड है इस दुनिया में, आई डोंट नो व्हाई बट है तो है। अब क्या तो गाइस सीधा डिनर के टाइम पे मिलेंगे हम। एंड या सिर्फ या हे गाइस, सो इट्स डिनर टाइम एंड अब रात के लिए मेरे पास चने हैं। तो आई थिंक चने को अगर पकाऊंगी तो ब्लैक हो जाएंगे, तो मैं ब्लैक चने का सलाद या फिर कुछ चाट वगैरह बना सकती हूँ। तो या चलिए हम ब्लैक चना, काला चना जो भी हो वो खाते हैं। चलिए हमारे ये हमारे चने हैं एंड इसको हम पका के काला बनाएंगे। तो या चलिए। हे गाइस, तो अब रात के 9:30 बज चुके हैं। आई डोंट नो, यस हाँ 9:30 बज चुके हैं। सो लास्टली आई हैव दिस काला चना एंड या और कुछ नहीं मिला। एंड ब्लैक कलर में आई थिंक जो फूड के आई थिंक ऑप्शंस है बहुत कम हो जाते हैं। ऑरेंज, ब्राउन, येलो, ग्रीन में फिर भी मिल जाता है बट ब्लैक कलर में बहुत कम हो जाता है। एंड ये ब्लैक फूड चैलेंज एक रिक्वेस्ट वीडियो भी था मेरे एक फ्रेंड का। सो या एंड मैं इसको ही खाने वाली हूँ। सो या मतलब दे आर वेरी टेस्टी, एकदम मस्त टेस्टी है एंड बहुत ही क्रंची है। एंड जो चने हैं इनमें विटामिन ई होता है जो बहुत अच्छा है अपने हेयर एंड स्किन के लिए। बट अगर आप इतना ऑयल डालोगे तो कुछ फर्क वैसे नहीं पड़ेगा। गाइज यहाँ पर हमारा ये चैलेंज खत्म होता है एंड आई होप कि आपको ये चैलेंज अच्छा लगा है। एंड आई नो कि फूड के जो आइटम्स थे काफी कम थे क्योंकि ब्लैक कलर में सीरियसली मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जोमेटो स्विगी कुछ डिलीवर नहीं होता है, दैट्स व्हाई मुझे उतने सारे ऑप्शंस नहीं मिले बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करके उसको ऑल करना जरूर एंड कमेंट में बताना कि आपकी अगली फरमाइश क्या है, मैं जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगी। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।